हेलो जी, राम राम जी। आप सभी का स्वागत है आज के न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों बताइए कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी देखिए, आज ये भी ऑफिस नहीं गए और बच्चों की भी है छुट्टी, क्योंकि इनके चल रहे हैं एग्जाम। और जी ये आए थे रात लेट, तो ये इसलिए आज ऑफिस नहीं गए। और देवसी की है जी आज थोड़ी तबीयत खराब, इसको लेकर जाना पड़ेगा डॉक्टर के यहाँ पर। लेकिन गाइस देखिए, अभी मेरे पीछे फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है। मौसम हो गया है जी बहुत ठंडा। रात सुबह तक ठीक था, अच्छी धूप निकल रही थी, लेकिन अभी देखिए गाइस मौसम खराब हो चुका है। और जी टाइम हो गया है सुबह के 10:30। तो जी अभी पहले हम कर लेते हैं थोड़ा सा अपना किचन का खाने वगैरह का काम, वो खत्म कर लेंगे। और जी उसके बाद फिर देवर्षी को लेकर जाएंगे डॉक्टर के। चलो जी सभी मिलो। चलो जी चलो। कैसी तबीयत है आपकी बताओ, सबको क्या हो रखा आपको, बोल लो बेटा, ऐसे नहीं करते, बोल के बताते हैं। तबीयत खराब। तबीयत खराब क्या हो रखा मेरे बाबू को? फीवर, कोल्ड है ना। तो गाइस देखिए बच्चे हैं, जरा सा आराम मिलते हैं फिर से खेलना शुरू कर देते हैं, वरना रात भर इसकी तबीयत रही बहुत खराब। और जी मौसम देखिए गाइस कितना ठंडा हो गया है आज। तो इन्होंने ये यहाँ से ये भी खोल ली है खिड़की, और जी यहाँ से आ रही है बाहर से ठंडी ठंडी हवा। तो जी चलिए मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ किचन का काम, फिर अपने बाबू को लेकर जाऊंगी डॉक्टर के यहाँ पे। दीदी को भी बुखार हो रहा है। अच्छा, मुझे नहीं हो रहा, मैं आप पर इसके साथ जाऊंगी। तो जी देखिए अभी मेरे बाबू की तबीयत को थोड़ा सा आराम है, क्योंकि दवाई मैंने इसे सुबह दे दी थी एंटीबायोटिक भी और बुखार की भी। तो जी अभी और बारिश भी हो रही है, ऐसी बारिश में कहीं लेकर तो जा नहीं सकते। मैं दिखाऊंगी सबको। तो जी शाम को लेकर जाएंगे, क्योंकि इसके पापा जी को भी अभी ऑफिस के काम से कहीं निकलना पड़ रहा है। तो जी अभी इसे डॉक्टर के यहाँ पर भी लेकर नहीं जा सकते। और ये बताएगी कि इसको कौन से मच्छर ने काट लिया, ये कह रही कि मच्छर ने काटा इसलिए ये फीवर हुआ। कौन से मच्छर ने काटा मेरे बेटे को? छल्ले वाले ने। तो बेटा कौन से मच्छर ने काटा आपको? डेंचू। तो जी इसको काटा है डेंचू मच्छर ने, इसे डेंगू नहीं बोला जा रहा है, डेंचू बताते हैं, कभी डेंचू बताती है। कौन से ने काटा अच्छे से बताइयो, बताइयो, ऐसे नहीं करते, बताइयो, जल्दी बताओ कौन से मच्छर ने काटा आपको? डेंगू। डेंगू। तो जी हम बोलते हैं तो तब ये बोल देती है, वरना फिर भूल जाती है, कभी डेंचू बताती है कभी डेंगू। तो एक्चुअली क्या होता है, तो गाय जी अभी इसे थोड़ा सा आराम हो गया है, बाद में लेकर जाएंगे और दिखाती हूँ आपको। देखिए जी बार बारिश है, और बारिश में ऐसी बारिश में बाइक से जा नहीं सकते, और गाय गाड़ी लेकर वहाँ पर मंगलोरम नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर छोटी छोटी गलियाँ हैं। तो जी उन गलियों में फिर जाम लग जाता है, गाड़ी निकलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए जाना तो बाइक से ही पड़ता है, जहाँ पर डॉक्टर की दुकान है वहाँ पर। और देखिए बारिश फिर से आने लग रही है गाइस, और आज तो सुबह अचानक से आई, वरना मौसम साफ था सुबह जब उठे तब कोई ऐसा लग नहीं रहा था कि आज बारिश होगी। चलिए जी अब इन्हें खाना वाना खिला देती हूँ। जी देखिए इधर ये तो घर रहकर भी, इनका तो पूरा दिन यही ऑफिस का ही चलता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। अभी भी वैसे तो आज घर रहे थे, लेकिन सुबह से अपने लैपटॉप पर ही काम कर रहे हैं, और अब भी इन्हें ऑफिस के काम से ही निकलना पड़ेगा कहीं मीटिंग में। तो जी ये तो अब भी निकलने वाले हैं, और गाइस टाइम हो गए हैं 12:30 के लगभग। तो जी फिर गुड़िया को तो शाम को ही डॉक्टर के यहाँ पर लेकर जाना पड़ेगा, अभी तो लेकर जा नहीं सकते। और जी देखिए नीचे पानी है, ज़्यादा तेज वैसे बारिश है भी नहीं, लेकिन लगातार हो रही हल्की हल्की बूंदाबांदी सी। बस मेरा काम बढ़ा जाती है यहाँ पे, पानी फैला जा सारे में। जी कल से पापा जी भी घर पर नहीं है, तो जी घर सुना सुना सा लग रहा है पापा जी के बिना, ऐसा लग रहा है जैसे घर में कोई फैमिली मेंबर नहीं है, तो बहुत कम रह गए बंदे। तो जी चलिए घर में से एक बंदा भी कहीं बाहर चला जाए एक दो दिन के लिए, तो जी खालीपन सा महसूस होता है। और पापा जी तो हर टाइम सबके साथ हंसते बोलते रहते हैं, सबको मजाक करते रहते हैं। दादू कहाँ कल से है? दादू तो दिखाई नहीं दी। किसके मामा के? आपके मामा के? कौन से मामा के? कहाँ गए? दादू की याद नहीं आ रही क्या है? दादू की याद नहीं आ रही। और जी देखे ये करने बैठी थी कलर, क्या हाल किया इसने कलर से, पूरा टेबल का कवर भी गंदा कर दिया। अब तक आवेंगे पापा जी? याद आ रही है आपको पापा जी की? मां कभी मन ना लग रहा हो आपका पापा जी के बिना।
मौसम तो बच्चों में भी जी हो रहे और बताओ बात नहीं हुई थी कसु वैसे पापा जी से तो जी देखे पापा जी चले गए हैं कहीं लंबे टूर पर 2-3 दिन के लिए घर लग रहा है सुना सुना पापा जी के बिना क्योंकि सबको छेड़ते रहते थे है ना। तो गाइस देखे दोनों बहनें झूल रही हैं झूला। देवशी कैसी तबीयत है बेटा बाप की है? क्या क्या बोल रही है? नीचे फुटबॉल खेल रही थी। वो तो चेहरे से ही पता चल रहा कि अब आराम है। चलो जी तो जी देखिए दोनों बच्चे कर रहे हैं मस्ती अभी है थोड़ा सा पढ़ाई से फ्री हुए थे खेल भी जरूरी है। तो गाइस देखिए हम सब पी रहे हैं चाय और मम्मी जी और हम सब कर रहे हैं पापा जी के फोन का इंतजार। अभी हमने फोन चेक किया कि कहीं उन्होंने फोन तो नहीं किया क्योंकि पापा जी गए हुए हैं पंजाब। वो गए हैं जी 2 दिन के लंबे टूर पर। वैसे वो संडे में रात को आ जाएंगे लेकिन फिर भी जी जब दिन के दिन कहीं जाते हैं और फिर जाने लगे 2-3 दिन के लिए तो घर खाली खाली सा लगता है। तो बेटा ब्यास पंजाब में ही तो है। तो जी पापा जी अब की बार गए हैं ब्यास। वैसे वो फर्स्ट टाइम गए हैं पहली बार तो गए मम्मी मैं तो पहली बार देख रही जब से मेरी शादी एक बार कभी पहले गए होंगे लेकिन जब से मेरी शादी हुई तब से तो जी मैं फर्स्ट टाइम गए। तो जी देखेंगे आगे कैसा बतावेंगे कैसा लगेगा उन्हें वहाँ पे। अच्छा लगा तो फिर भी जाएंगे वैसे है तो वहाँ पे सब कुछ अच्छा ही अपने अपने मन की बात है। तो जी चलिए अभी प्रीत कर रही है अपनी एक्टिविटी और देवशी अभी सोकर उठी है क्योंकि उसे दवाई दी थी तो जी थोड़ा दवाइयों का नशा सा भी हो जाता है उसे नींद आ रही है काफ़ी। अब हम करेंगे शाम के खाने की तैयारी थोड़ी देर में। तो जी देखो टाइम हो गए शाम के क्या टाइम हो गया टाइम 6:13 6:13 हो गए जी और यहाँ आए अभी अभी किसी मीटिंग के लिए निकल गए थे। बारिश वारिश थी वहाँ पे बारिश हो रही थी। तो जी अभी आए हैं चाय वगैरह ये पीते नहीं कुछ भी। तो ये बताओ आलू बना रही मैं मलाई वाले खा लोगे आलू में आलू तो पसंद ही नहीं है आपको आलू तो आप खाते ही नहीं लौकी बना ले लौकी बना लो। मैं तो ये पूछी थी उनके साथ चावल बनाऊं या रोटी चावल चावल बना दूंगी। चलो ठीक है चलो कपड़े चेंज कर लो चाय बनाऊं। तो जी चाय वगैरह तो पीते नहीं चलिए जी अब हम अपने व्लॉग का यहीं पर एंड करेंगे। मिलेंगे कल सुबह फिर से एक नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट।